Assalamu alaikum class, this is Heather Riaz, your course instructor for Object Oriented Programming. This is lecture 2. Last time we discussed about objects. हमने object को देखा था, object की construction को देखा था, कि object के अंदर कौन सा data होता है, फिर data से related functionality कैसे होती है, और फिर वो objects आपस में communication कैसे करते हैं, उनके states, उनके operations को discuss किया था. आज हम further OOP से स्पेसिफिक कुछ टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे. सबसे पहले इंफॉर्मेशन हाइडिंग. व्हाट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन द ऊप? इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट. इट इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद क्या था? हमारे पास जिस भी चीज का ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी. हमको कोई ऐसा मीन चाहिए था कि हम आउटसाइड वर्ल्ड से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड रहे, येट आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस कर सके. तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, अलीज नेम इज स्टोर्ड विद इन हिज ब्रेन. अब अली का जो नाम है, यानी मुझे अगर मेरा नाम पता है तो वो मेरे जहन में है. वी कांट एक्सेस हिज नेम डायरेक्टली. अब कोई दूसरा पर्सन आएगा तो डायरेक्टली मेरे ब्रेन को एक्सेस करके मेरा नेम नहीं पता कर सकता. रादर वी कैन आस्क हिम टू टेल हिज नेम. होगा क्या, वो मेरे से पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरा ये नाम है अली फॉर एग्जांपल. तो इसे क्या पता चला कि वो पर्सन ने आके डायरेक्ट मेरे इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सका. उसने एक रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को जनरेट किया गया और देन उसे रिलेटेड प्रोसेसिंग की गई, और देन प्रोसेसिंग के बाद उसको रिस्पेक्टिव रिजल्ट दे दिया गया. तो यहाँ पर जो बीइंग अ ह्यूमन, जो मेरे ब्रेन थी वो सारी इंफॉर्मेशन थी, और जो मैं बीइंग अ ह्यूमन मैं था ऑब्जेक्ट. अब जो भी थर्ड पार्टी या आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेस कर रही है वो यूजिंग ऑब्जेक्ट कर रही है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती. अ फोन स्टोर्स सेवरल फोन नंबर्स. वी कांट रीड द नंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द सिम कार्ड. रादर देन फोन सेट रीड्स दिस इंफॉर्मेशन फॉर अस. हमारे सिम कार्ड में कई कॉन्टैक्ट्स सेव होते हैं. हम उस सिम कार्ड को डायरेक्टली ओपन करके नहीं वो सिम कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी एक्सेस कर सकते. इंस्टेड हमें सिम किसी न किसी मोबाइल सेट में डालना पड़ेगा, फिर वो मोबाइल सेट वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. अब अच्छा, हमारे पास एडवांटेजेस क्या है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के? सिंप्लीफाइज द मॉडल by hiding implementation detail. It is a barrier against change propagation. यानि कि हमारे सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम चूंकि implementation hide कर देते हैं, तो इसलिए third पर दूसरे person को या outside world को पता ही नहीं है कि मेरा जो model है internally कितना complex है, या easy model है complex model है, उनको implementation का कुछ भी नहीं पता. They just उनका सिर्फ सरोकार इस चीज से है कि जो फंक्शन हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं क्या वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. फिर हमारे पास सेकंड टर्म है इनकैप्सुलेशन की. डेटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, उसमें क्या इश्यू था कि हमारे पास जो किसी भी एंटिटी से रिलेटेड जो डेटा था और उसकी फंक्शनैलिटी थी वो इकट्ठे नहीं होती थी. हमारा एक ही पेज होगा और वहीं पर हमारे पास जितनी भी एंटिटीज है उन्हीं का वहां पर ही डाटा है और उन्हीं के फंक्शनैलिटी भी वो पड़ी हुई, जिसकी वजह से वो इंटरमिक्स्ड होती थी और जिसकी वजह से एक फंक्शन किसी और का डाटा एक्सेस कर सकता था और वो मॉडिफाई कर रहे थे, उसकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाती थी. हमको कोई ऐसा मीन चाहिए था कि हर एंटिटी से रिलेटेड उसी का डाटा हो और उसी की फंक्शनैलिटी हो और वो सिर्फ उसी एंटिटी के ही एक्सेस में हो, उसको कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके. Both the information structure and the implementation detail of its operations are hidden from the outer world. अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं. हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शनैलिटी और एट्रीब्यूट जब स्टोर हो जाते हैं तो आउटर वर्ल्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, उनकी डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो आउटर वर्ल्ड से हिडन हो जाती हैं और जो हमारा सिक्योरिटी का पर्पज होता है वो भी हमारा फुलफिल हो जाता है. एग्जाम्पल, Ali stores his personal information and knows how to translate it to the desired language. We don't know how the data is stored, how Ali translates this information.
अब सिर्फ ये अली को पता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसलेट करेगा। हमको सिर्फ ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी हमको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। अब ट्रांसलेट कैसे करना है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सिर्फ अली को पता है एंड अली इज़ ऑब्जेक्ट। और मैं सिर्फ उसको अली को कहूँगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर दो, और वो ट्रांसलेट कर देगा। डेट्स इट। यानी कि जो इंटरनल वर्किंग है, इंटरनल कम्प्लेक्सिटी थी, वो आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन है यहाँ पर। और मैंने अपने डेटा को और उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट कर दिया एक ऑब्जेक्ट में। अ फोन स्टोर्स फोन नंबर इन अ डिजिटल फॉर्मेट एंड नोज हाउ टू कन्वर्ट इनटू टू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। अब मशीन लैंग्वेज में बैक एंड पे तमाम डाटा स्टोर होता है 0-1 की फॉर्म में। तो ये जो हमारा सेल नंबर होगा, जैसे 0300 4567 एग्जेट्रा, ये भी बैक एंड में किस में कन्वर्ट स्टोर होता है, मोबाइल में 0101 की फॉर्म में। तो वो जो 01 से वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना, और डेसिमल से स्टोरिंग के टाइम वापस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना 01, इस फंक्शनैलिटी का हमारे हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना आउटसाइड वर्ल्ड में कॉमन बंदे को इस फंक्शनैलिटी से कोई लिंक है। हमने सिर्फ नंबर स्टोर करना है और उसको रिट्रीव करना है। तो अंदर की कम्प्लेक्सिटी हमारे से हाइड कर ली गई। इस चीज़ को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एडवांटेज सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। ठीक है, मैंने अभी बताया लो कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी आपके पास जब आप डेटा को, अगर आपके पास एक फर्म है जैसे स्टूडेंट का और टीचर का, तो जो हमारे स्टूडेंट का डेटा सेपरेट है, टीचर का डेटा सेपरेट है, तो उनको मैनेज करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है। और चूंकि हर एंटिटी रियल लाइफ मॉडल को सपोर्ट करती है, बिल्कुल उसी से मॉडल बनाया हुआ होता है रियल लाइफ से, तो हम नॉर्मल पीपल उसको अंडरस्टैंड भी बड़ा इजीली कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हैज एन इंटरफेस। एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स डाटा एंड बिहेवियर। सो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ईच ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस, अदर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू दीज इंटरफेस। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास डाटा है और उससे रिलेटेड उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मेरे एक ऑब्जेक्ट में है। अब इसी तरह मेरा एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटी है। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। उनमें आपस में कम्युनिकेशन के लिए भी दोनों के अंदर कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट किया जाएगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे। उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो इंटरफेस है। हमने दो ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, उस इंटरफेस के जरिए वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार की एनालॉजी लें तो स्टेयरिंग व्हील हमारे पास क्या है, इंटरफेस है। अब असल में तो जब स्टेयरिंग आप मूव करते हैं तो अंदर बड़ा मैकेनिज्म होता है, बड़े लीवर मूव करते हैं, आपके एक्सेल्स होते हैं, आपके बूट होते हैं, आपके फिर रोटेशन, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम होता है आपका। उस सारी चीज़ का आपको नहीं पता, आपको सिर्फ स्टेयरिंग दे दिया गया कि आप इसको जब लेफ्ट राइट मूव करेंगे आपकी कार की डायरेक्शन मूव होगी। तो वो स्टेयरिंग व्हील क्या है, हमारे पास एक इंटरफेस है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम इंटरनल वर्किंग को नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन, अब आप जब एक्सेलरेट पैडल रखते हैं तो बैक एंड के जो कम्प्लेक्स फॉर्म कैलकुलेशन हैं, जैसे फ्यूल कितना आना चाहिए, कितनी रेस है, आरपीएम कहाँ तक जाना चाहिए, गाड़ी पर लोड कितना है, उस हिसाब से आरपीएम को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, अब ये सारी जो कहानी होगी इसका हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ रेस पैडल पर प्रेस करना है और कार ने एक्सेलरेट होना है। गियर हम चेंज करते हैं, इसी तरह ब्रेक अप्लाई करते हैं और लाइट्स टर्न ऑन ऑफ, तो हमको जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल इंटरफेस ऑफ अ फोन, इनपुट नंबर, प्लेस अ कॉल, डिस्कनेक्ट कॉल, एड नंबर टू एड्रेस बुक, रिमूव नंबर एंड अपडेट नंबर। यानी ये हम फंक्शनैलिटीज हैं जो हम एक फोन में परफॉर्म कर सकते हैं, और हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया जाता है। एक इंटरफेस ये दिया जाता है कि ये मेरा बॉक्स है, आप इसमें नंबर लिखें और ओके करें और वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कनेक्ट करना है, अगर आपकी कॉल चल रही है, ये बटन दिया हुआ है, इसको बस आपने प्रेस करना है और आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब वो प्रेस करने के से अंदर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो हम प्रेसिंग कर रहे हैं, वो जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम जो डोर वे दिया गया है, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस। दिस इंक्लूड्स डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑब्जेक्ट स्टेट फंक्शनैलिटी डेट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस। अब वो जो इस ये बात कर रहा है कि वो जो फंक्शन जो हमारे ऑब्जेक्ट इंटरफेस
जो हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है उसकी जो अंदर कोडिंग होती है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, जो भी हमारे जैसे अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट से रिलेटेड नेम, उसका रोल नंबर, दिस एंड डेट, वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन किसी न किसी एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर की जाएगी। वो डाटा स्ट्रक्चर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, इसी तरह उससे रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी। तो वो फंक्शनैलिटीज की जितनी भी कोडिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होगी। अब एग्जाम्पल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेयर बॉक्स। अब उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गेयर बॉक्स, एंड फंक्शनैलिटी क्या है, मैकेनिज्म टू चेंज गेयर बॉक्स, यानी वो मैकेनिकल बॉक्स जिसके अंदर हमारे पास गेयर बॉक्स होंगे, उसके लीवर्स होंगे, सारा कुछ वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है। आपको ये उसके एनालॉगी के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। और फंक्शनैलिटी क्या है कि मैं गियर को चेंज कैसे करता हूँ, गियर वन से गियर टू में कैसे जाता हूँ, रिवर्स गियर में कैसे जाता हूँ, ये उसकी फंक्शनैलिटी है जो उसने एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये दो चीज़ें हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में कहलाई जाती हैं। इस तरह अगर आपके पास फोन है तो उसका सिम कार्ड डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम डाटा स्टोर किया जाता है। और फंक्शनैलिटी क्या है, मैं रीड राइट सर्कटरी, यानी वो सर्किट जो उस डाटा को रीड करेगा और राइट करेगा वो हमारी फंक्शनैलिटी कहलाएगी। सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये जो अभी हमने देखा ये क्या था, इम्प्लीमेंटेशन के हम जो गेयर बॉक्स है वो गेयर बॉक्स के अंदर हमारे पास फिजिकल पार्ट है, फिर उसमें मूवमेंट कैसे हो रही है, ये है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। और इंटरफेस क्या है कि मुझे कार में एक लीवर दे दिया गया है, बस इस लीवर को मूव करूंगा अगला गियर लग जाएगा, बैक मूव करूंगा रिवर्स गियर लग जाएगा। तो ये है हमारा डिफरेंस इंटरफेस में और इम्प्लीमेंटेशन में। मीन चेंज इन इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट अफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस, ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको कार के अंदर जैसे हमारे पास, आपने डिफरेंट कार्स का सुना होगा, किसी में मैनुअल गियर होता है, किसी में सीवीटी गियर जाते हैं, किसी में डीसीटी गियर जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है अंदर, किसी में मल्टीपल लीवर यूज होते हैं, किसी में स्मॉलर गियर्स यूज होते हैं, हमारा उस चीज़ से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। चाहे जिस किस्म का भी गियर यूज हो, हमारे पास इन दी एंड एक लीवर है जिसको जो आपके ड्राइवर होगा उसने मूव करना है तो अगला गियर लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यानी इंटरफेस हमेशा वही है, लेकिन अंदर इम्प्लीमेंटेशन यह है डिफरेंट हो रही है, किसी कार में बेटर है, किसी कार में लोअर एंड टेक्नोलॉजीज की, किसी में हायर एंड टेक्नोलॉजीज की, लेकिन इन द इन इंटरफेस सब में सेम है कि लीवर। इसी तरह आप रेस देते हैं तो हर किसी में इंटरफेस होगा, इलेक्ट्रिक कार होगी, इलेक्ट्रिक कार में आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी, ठीक है, जैसे ही आप पैडल देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन अगर आपकी कन्वेंशनल कार है तो आप जैसे ही पैडल दबाते हैं तो क्या होता है, आपके पेट्रोल इंजन में जाता है, कंबशन होती है, ठीक है, जिससे आपके इंजन मूव होता है, टायर मूव होते हैं। तो यानी मैकेनिज्म इन द इम्प्लीमेंटेशन 100% दोनों की डिफरेंट है, लेकिन इंटरफेस दोनों का सेम है कि मैंने एक पैडल दबाना है, बस दैट्स इट। तो ये हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के लिए सबसे मेन एडवांटेज हमारे ऊप में यही है, हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर लेते हैं। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी, अ ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन टाइप। अब इंजन टाइप आपका पेट्रोल है या डीजल है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, हमारा वही इंटरफेस होगा जो पहले हम जिस तरीके से कार चलाते थे वैसे ही चलाएंगे। बिकॉज इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इम्प्लीमेंटेशन, अ ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेक सिस्टम। अब सिंपल ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इंटरफेस सेम है, जस्ट ब्रेक अप पैडल दबाना एंड ब्रेक लगेगी। एडवांटेजेस, यूजर नीड नॉट टू वरी अबाउट द चेंज अंटिल द इंटरफेस इज सेम। जब तक इंटरफेस सेम है हमारे कोई हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, कम्प्लेक्सिटी हाई हो या लो हो हमें फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस एरर। हाँ, अगर हमें कह दिया जाए कि आप जो है अब सिर्फ ब्रेक रेस देने से जो है, सिर्फ पैडल दबाने से रेस नहीं होगी, अब आपने उसके अंदर फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा हमको दे दिया कि आपने ये वायर भी पहले आपको पेट्रोल का ये बटन दे दिया जाएगा कि आपने यहाँ से पेट्रोल को कंट्रोल करना है, फिर आपको एयर फ्लो का भी बटन दे दिया जाएगा नॉब कि आपने यहाँ से एयर फ्लो भी कंट्रोल करना है। इस तरह के तीन चार चीज़ें कंट्रोल करेंगे फिर कहेंगे कि फिर आपकी रेस ऑटोमेटिकली कार एक्सेलरेट करेगी। अब जैसे मुझे अंदर की इम्प्लीमेंटेशन का या अंदर के स्ट्रक्चर का यूज़र को एक्सेस दी जाएगी,
तो क्या होगा, मैं कोई ना कोई छेड़खानी कर बैठूंगा कि मैं कहीं पर पेट्रोल कम देना था ज़्यादा दे बैठा, कहीं पर एयर फ्लो कम होनी थी ज़्यादा दे बैठा, जिसकी वजह से कोई ना कोई इशू क्रिएट हुआ और मेरा इंजन बंद हो गया। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि अगर हम किसी भी आउटसाइड वर्ल्ड एंटिटी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई ना कोई एरर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम उनको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि आपने सिर्फ इंटरफेस के जरिए कम्युनिकेशन करनी है, डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर को कभी भी एक्सेस नहीं करना। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस। अच्छा, अब आपस में ऑब्जेक्ट्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मैसेजेस के जरिए। कोई ऑब्जेक्ट किसी के डेटा स्ट्रक्चर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। दे सेंड मैसेजेस बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशन ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट। द नंबर एंड काइंड ऑफ मैसेजेस दैट कैन बी सेंड टू एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स इंटरफेस। वो ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किस किस्म के मैसेज भेजेंगे, ये उनके इंटरफेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेंड्स मैसेज स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, मैंने अब कार को कैसे बताना है कि वो रुक जाओ, मैं उसे ब्रेक पैडल को अप्लाई करूंगा तो उसको मैसेज पहुंचेगा कि मैंने ये उसको बेसिकली कार को मैसेज पहुंचाने का तरीका है। और इंटरफेस मुझे दे दिया गया ब्रेक पैडल और उसको दबाने से मैंने उसे मैसेज पहुंचाया कि कार को स्टॉप करो। इस तरह पर्सन सेंड्स अ मैसेज प्लेस कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग द अप्रोप्रिएट बटन्स। तो हमने आज के लेक्चर में क्या हमने ये सीखा कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग थी उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या हुआ कि हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन क्रिएट की और तमाम कम्प्लेक्सिटी उस एक ऑब्जेक्ट में हाइड कर दी। अब आपके पास अक्सर देखा होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके पास कोई हार्डवेयर आप परचेज करते हैं, कोई कैमरा परचेज करते हैं, तो साथ आपको एक बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट में लिखा होता है कि ये आपका कैमरा मॉड्यूल है, अगर आप इस पर ये बटन प्रेस करेंगे तो लेंस की ये एडजस्टमेंट होगी, यहाँ से लेंस की एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, यहाँ से आपका एक्सपोजर कंट्रोल होगा, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कभी भी उस बुकलेट के अंदर कि एक्सपोजर जब आप ये बटन दबाते हैं तो बैक एंड पे एक्सपोजर चेंज कैसे होता है, या आपको डायरेक्ट वो नहीं दिया जाएगा कि लेंस की एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है। आपको कोई ना कोई इंटरफेस दिया जाएगा, बटन दिया जाएगा, ये नॉब दिया जाएगा और कह दिया जाएगा इसको 1 पे करेंगे तो यूं होगा, 2 पे करेंगे तो यूं होगा। तो हमको बस वो सेटिंग का पता होता है कि यूं करने से इस तरह होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमको एक नेटिव बंदे को उस चीज को समझने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी बंदा कैमरा अगर पकड़ेगा और उस बुकलेट पे दो तीन चीजें पढ़ लेगा तो उसके लिए वो कैमरा वैसे ही यूज कर सकेगा जैसे प्रोफेशनल बनाने वाले ने कैमरे को यूज करना करने के लिए बनाया था, वो वैसे ही यूज करेगा। तो ये हमारे पास बड़ा इसका एडवांटेज हुआ। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इनहेरिटेंस। अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट। हमारे पास जो चाइल्ड होते हैं वो हमेशा पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करते हैं। बिसाइड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक अ चाइल्ड मे हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। और पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करने के अलावा हर चाइल्ड में अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इफ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम अ क्लास ए देन इट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक से क्या मुराद है कि हमारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ क्लास ए। यानी अगर एक क्लास बी है और वो इनहेरिट करे इंफॉर्मेशन क्लास ए से, तो क्लास ए के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होगी उसका बिहेवियर यानी फंक्शनैलिटी होगी वो सारी की सारी क्लास बी में इनहेरिट हो जाएगी। द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास एंड द चाइल्ड क्लास इज द ड्राइव क्लास। वो क्लास जिससे डाटा को इनहेरिट किया जाएगा उसको हम बेस कहेंगे और जो इनहेरिट करेगी उसको हम ड्राइव क्लास कहेंगे। बिसाइड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जैसे मैंने बताया, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पर्सन की क्लास है, ठीक है, पर्सन की क्लास के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन का नेम क्या है, ठीक है, पर्सन का कलर क्या है, ठीक है, पर्सन की हाइट क्या है, पर्सन का वेट क्या है, ठीक है। तो यानी कि ये चार करेक्टरिस्टिक हैं जो पर्सन हर पर्सन के अंदर होते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन लिख दी। अब आगे मेरे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है। अब मुझे ये पता है कि जो मेरे पर्सन की चार करेक्टरिस्टिक्स थी
कि उसका नेम क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, ये हर पर्सन में होंगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो। तो ये चूंकि कॉमन फंक्शनैलिटी थी, कॉमन इन्फॉर्मेशन थी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर की क्लास ने पर्सन को इनहेरिट किया है। अब मुझे स्टूडेंट की क्लास में, टीचर की क्लास में और डॉक्टर की क्लास में ये चार चीज़ें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उसने पर्सन से इनहेरिट कर ली है। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जो स्पेसिफिक चीज़ होगी जिसका ताल्लुक सिर्फ स्टूडेंट से है, सिर्फ स्टूडेंट की क्लास में वही लिखी जाएंगी। यानी स्टूडेंट एक डाटा इनहेरिट भी कर रहा है और उसमें कोई यूनिक अपनी करेक्टरिस्टिक भी है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट ने कितने कोर्स इनरोल किए हैं। अब कितने कोर्स इनरोल किए हैं इसका डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं, डॉक्टर की और चीज़ें होंगी कि वो कितने पेशेंट को देखता है, उसकी क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ। लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी कि भाई चारों में नेम होगा हर पर्सन का, वो हमने इनहेरिट किया। जैसे शेप है, अब शेप में आपके पास हाइट आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, एरिया हो जाएगा, और एरिया हर शेप के अंदर कॉमन होता है। तो मैं क्यों हर शेप के अंदर बार बार एरिया लिखूं, मैं क्यों ना शेप की एक क्लास बनाऊं और उसके अंदर कॉमन करेक्टरिस्टिक लिख दूं और बाकियों को कह दूं कि आपने इनहेरिट करना है, और लाइन से रिलेटेड अपनी कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी तो वो लाइन की क्लास में आ जाएगी, ट्राइंगल से रिलेटेड अपनी कोई चीज़ होगी स्पेसिफिक तो ट्राइंगल की क्लास में आ जाएगी। ईच ड्राइव क्लास इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास। अब ये देखे पर्सन में हमारे पास नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक, ये उसकी फंक्शनैलिटी थी। तो ये मेरे स्टूडेंट में भी यही चीज़, चारों चीज़ें हैं पांचों, ये मेरे टीचर में भी हैं, डॉक्टर में भी हैं। लेकिन स्टूडेंट में देखें, स्टूडेंट का स्टडी ईयर है, प्रोग्राम है, ये चीज़ें टीचर में नहीं है। टीचर की डेजिग्नेशन है, उसकी सैलरी है, ठीक है, इसी तरह डॉक्टर है, उसमें चेकअप है, उसके प्रिस्क्रिप्शन है। अब ये चीज़ें आपको बाकी कहीं नहीं मिलेंगी, ये उनकी अपनी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन उनका नेम, एज, जेंडर, ईट का फंक्शन, वॉक का फंक्शन, ये सब में कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पर हम इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करेंगे। इस तरह शेप में भी हमारे पास यही चीज़ें आ जाती हैं। अब इनहेरिटेंस का हमको फ़ायदा क्या होता है कि रीयूज, यानी कोई एग्जिस्टिंग कोड जो आप समझते हैं कि आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने चाह रहे हो और आपके पास एग्जिस्टिंग कोड मौजूद है और आप समझते हैं कि ये काफ़ी हद तक मेरी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, यानी सिमिलर है, तो मैं क्यों ना इसको ही अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लूँ। तो हम क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी होगी वो हम अपनी चाइल्ड क्लास में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, हम उसको बेस क्लास बना लेंगे और फिर उसको चाइल्ड क्लास से में इनहेरिट करवा के चाइल्ड क्लास में मॉडिफिकेशन कर देंगे। जिसके फ़ायदा क्या होगा कि मेरा ओरिजिनल भी पड़ा रहेगा और मेरी मॉडिफिकेशन भी होगी और कोई कॉमन फंक्शनैलिटी रिपीट नहीं होगी। और रीयूजिंग, और कोई ऐसा कोड जो दोबारा से रीयूज किया जाता है, उसमें एडवांटेज इस तरह ज़्यादा होता है कि वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है, तो हमारा ये भी इशू कम होगा कि एरर कितने जनरेट हों। अब एक कोड मैं नया बनाऊं और एक पहले से बंदे ने बनाया और 100 लोगों ने उसको यूज़ किया हुआ, तो वो ज़्यादा रिलायबल है बजाय कि मैं जो अभी मैं बनाऊंगा। फिर लेस रिडंडेंसी, यानी एक कोड, हम एग्जिस्टिंग कोड को ही दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिपीटिशन का चांस कम हो जाएगा। फिर इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, यानी कि हमारा जो, जब हम एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ करके इनहेरिट करते हैं और इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप से हम जो क्लास में फंक्शनैलिटी हमारी डिफरेंट होगी सिर्फ वही मेंशन करेंगे, तो हमारी मेंटेनिंग बड़ी इजी हो जाएगी। मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज द रीयूज, वी कैन इजिली एड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस। सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग क्लास क्लोजर टू द डिजायर्ड क्लास फंक्शनैलिटी, यानी कोई जो आपकी फंक्शनैलिटी से क्लोजेस्ट क्लास होगी हम उसको चूज करेंगे और एक नई नई क्लास बना के उसको इनहेरिट कर देंगे और अपनी नई क्लास के अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर देंगे और हमारा प्रोग्राम तैयार है। हमारा 60% काम हमारे इनहेरिटेड क्लास से हो गया, 40% हमारा अपना था, वो हमने चाइल्ड क्लास में कर दिया, उसको इनहेरिट कर लिया और हमारी फंक्शनैलिटी रेडी हो गई। जैसे हमारे पास ये शेप की क्लास है, उसमें हमने शेप की क्लास को इनहेरिट किया और हर सर्कल के अंदर उससे रिलेटेड पैरामीटर्स डाल दिए। तो ये था आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक इनहेरिटेंस का। हमने आज कवर किया इनकैप्सुलेशन को, कवर किया एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग ऑफ डेटा को कवर किया और इनहेरिटेंस को कवर किया।